हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जन। इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस जानेंगे कि हम दिसंबर 2023 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे सीए फाउंडेशन के, और डाउनलोड करने के बाद उसके सजेस्टेड आंसर तक आने वाले हैं और वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू बैक देगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो दिसंबर 2023 के लिए, उसके लिए आपको आईसीए की वेबसाइट पर है, स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करना है, बी एस नॉलेज पोर्टल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक है वो विजिट बी एस नॉलेज पोर्टल पर क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे क्लिक करना है, फाउंडेशन पे क्लिक करना है। अब देखो, आईसीए आपको पता है पेपर नंबर 1 और 2 ही रिलीज करती है, 3 और 4 आईसीए ने कभी रिलीज ही नहीं किया है। तो डाउनलोड कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट्स का पेपर डाउनलोड करना है, क्लिक करो, ये आपका दिसंबर 2023 का पेपर आपके सामने ही ये रहा, लेटेस्ट पेपर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो लॉ का पेपर, तो लॉ का पेपर भी आईसीए ने प्रोवाइड कर दिया, अवेलेबल करा दिया है, दोनों यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल है मेरा CSCSCM अपडेट, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके जरूर जाना। सजेस्टेड आंसर का वेट कर रहे तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसको थोड़े दिन बाद आपको सजेस्टेड आंसर देखने को मिल जाएगा। आपको शायद सजेस्टेड आंसर 10 मार्च 2024 तक देखने को मिल जाएगा, रिलीज होते ही सबसे पहले आपको हमारा ही चैनल बताएगा। थैंक यू फ्रेंड, आपको अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करके जरूर से जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपको सीए के रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारा चैनल बैक टू बैक दे देगा। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।